हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडे वी हैव टू लर्न एवरेज। एवरेज यानी क्या होता है वो हमें देखना है। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन। सो व्हाट इज मीन बाय एवरेज? एवरेज, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ वैल्यू। एवरेज यानी क्या है? सिंगल वैल्यू है जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। अभी हम देखिए ग्रुप को रिप्रेजेंट करने यानी क्या होता है। जैसे कि देखो, आपको पेपर्स होते हैं, आपके एग्जाम होती है, आपके जो परसेंटेज निकलते हैं ना वो आपको एवरेज के हिसाब से निकलते हैं। परसेंट डायरेक्ट आपको परसेंटेज नहीं निकलते। लाइक इन मैथमेटिक्स यू हैव अबाउट 50%, 60%, इन मराठी 75%। तो इस तरह से देयर आर सपोज 5 सब्जेक्ट आप देव, तो हमें क्या करना है, जो 5 सब्जेक्ट जो हम लेंगे उसके मार्क्स काउंट करेंगे, उसके मेथड्स क्या होते हैं तो हम पहले आपको देखेंगे, उसके बाद आपको उसका एग्जाम्पल दिखाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट एवरेज। देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ ऑल द गिवन नंबर। जो भी नंबर हमारे पास गिवन होंगे उसके करने में सम करने, सम यानी एडिशन करनी है। सेकेंड इज डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ एडल्ट्स गिवन। उसके जो सम है उसको डिवाइड करने के से एडल्ट्स यानी कितने टाइम्स वो हमें बोला गया है उससे हमें उसको डिवाइड करना है। द लास्ट द क्वेश्चन इज द आंसर। और जो क्वेश्चन में हमें डिवाइड करने के बाद वो आपको क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। नाउ वी लेट्स सी how to calculate average by taking some example. Now let's see some examples of average. Look at example number 1. Example number 1 is that find the average of first a even numbers. Jo even numbers hote hamare paas, even numbers kaun se hote hain? Even numbers start from 0 to 4 6 8 is such numbers hote hain, iske last mein ones plus ye number present hote hain, usko kya bolte hain hum, even numbers bolte hain. Is tarah se agar hum first 10 even numbers likhne hain और उसका एवरेज निकालना। सो वी राइट द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, स्टार्ट फ्रॉम 2 देन 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। चेक करते हैं कितने आ रहे हैं। क्या हो गया फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, काउंट करते हैं फर्स्ट 10 इवन नंबर हो चुके हैं। तो 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे हमारे पास 10 फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हमने यहाँ पे लिख लिए। वही था हमारा फर्स्ट रूल, सम ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, सभी नंबर्स से हमने सम यहाँ पे कर लिया। देन सेकंड रूल का था राइट द नंबर ऑफ एडल्ट्स। एडल्ट्स कितने उसमें फाइंड आउट, जो फर्स्ट 10 बोला है हियर 10 इज द एडल्ट, सो राइट हियर 10। नाउ इसका एडिशन करनी है, फिर डिवाइड करना उसको। चलो करते हैं डिवाइड। 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 4 10, कितना हो गया 20, 20 प्लस 10 30, नहीं यहाँ तक 30 हो चुका है। देन 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 30 60, अगेन 40 प्लस 16 30, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, and 90 plus 20 is 110. So our answer is 110 divided by 10. जब इसको हम डिवाइड से सॉल्व करेंगे इस तरह से 110 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 वन सा 10 वन जीरो, अगेन 10 वन सा 10। ऊपर का जो होता है वो क्या होता है, हमारा क्वेश्चन होता है, क्या होता है क्वेश्चन। और हमारे पास रूल में भी था वही देखा हमने, रूल नंबर 3 इज दैट जो क्वेश्चन होगा आपका क्या आंसर होगा, यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 11। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज 11। तो इस तरह से मैं एवरेज निकालता हूं। ये क्वेश्चन नहीं लिखा, ये क्वेश्चन डॉक में आपको अगर लिख तो आप लिख सकते। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मीन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स यानी क्या होता है, मल्टीपल्स मीन्स उसके टेबल में आने वाले नंबर। जैसे 4 के टेबल के नंबर सोच लो, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 एंड सो इस तरह से जो नंबर्स आएंगे 4 के टेबल में उसको क्या बोलते हैं, उसके मल्टीपल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, 8, 12, 16, 20, हमें यहाँ कितने नंबर्स लेने हैं, पढ़ेंगे आप राइट डाउन।
क्या करना है, हमें सबसे पहले उनकी एडिशन करनी है। 4 5 में से 4 8 12 16 and 20 और कितने टाइम्स बोला हुआ है, 5 टाइम्स, तो ये भी डिवाइडेड बाय 5 करो कैलकुलेट। 12 + 8 = 20 16 + 4 = 20 and 20 + 20 = 40 and 40 + 20 = 60 so right here 60 divided by 5 जब देखा है 60 डिवाइड करने के बाद 5 से क्वेश्चन क्या मिलता है 60 डिवाइड बाय 5 5 1 सा 5 1 2 5 2 सा 10 सो आवर आंसर इज हियर 12। इस तरह से हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का एवरेज आके निकाला और आंसर इज नाउ लुक एट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि हमने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, हियर द सेम क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज मार्क्स स्कोर्ड बाय रवि इन अ 5 मैथ्स टेस्ट आर गिवन एज 81 78 93 85 एंड 88 हिज मार्क्स इन 5 टेस्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन एज 68 72 90 88 and 82 find the average marks in both the maths and english in which subject did he scored better। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, रवि नाम का एक लड़का है, उसने मैथ्स के टेस्ट 5 टाइम्स अटेम्प्ट किया है और इंग्लिश के टेस्ट 5 टाइम्स अटेम्प्ट किया है। आपको क्या करना है, उन दोनों टेस्ट का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। जैसे मैथ्स का एवरेज निकालेंगे हम, देन इंग्लिश का एवरेज निकालेंगे। उन दोनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स उसको किन सब्जेक्ट में मिले आपको बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम मैथ्स स्कोर एवरेज, मैथ में कितने मार्क्स मिले उसका हम एवरेज निकालते हैं। नंबर क्वेश्चन उनके 81 78 93 प्लस 85 प्लस 88 डिवाइड बाय हाउ मेनी एंड द अटेम्प्ट फॉर टेस्ट डिवाइड बाय 5 सो देयर एडिशन इज 425 डिवाइड बाय 5 नाउ 5 इज 40 and 55 is 25 so our answer is 85 इसका डिवीजन क्या बचा हमें 85 बचा है तो उसका मैथ्स में एवरेज स्कोर कितना है 85 नाउ चेक द एवरेज स्कोर इन इंग्लिश इंग्लिश स्कोर आता है इंग्लिश में स्कोर मार्क्स चेक करते हैं 68 72 90 88 and 82 एडिशन ऑफ ऑल द नंबर इज 400 डिवाइड बाय हाउ मेनी टाइम्स दैट इन द पेपर 5 टाइम्स सो राइट हियर 5 5 8 40 So his answer is 80. Now tell me, in which subject he scored better, maths or English? It's clearly given that in his maths he scored better. So right here, thus he scored better in maths. So that was our last question. Thank you guys. Have a good day.